नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज शीतकालीन अवकाश के बाद विधिवत रूप से सोमवार के दिन कॉलेज खुला। यूं तो कॉलेज लगातार खुल रहा था, लेकिन छात्र समुदाय मौजूद नहीं था क्योंकि शीतकालीन अवकाश चल रहे थे। तो आज छात्र समुदाय की मौजूदगी में कैंपस पहुंचे, तो जैसे ही कैंपस के पार्किंग पर पहुंचे तो बहुत सारे विद्यार्थी समुदाय या बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर हमें मिले। तो जब इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा तो ऐसा लगा कि आखिर क्या जो हो गया। उसने चाहे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ या जिस भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हों, सभी लोग आके मिले और उनके द्वारा जो समस्या हमें बताई गई, मैं चाहता हूँ कि उन सारी समस्याओं को मैं यहाँ पर रखूँ ताकि उनका जो भी समाधान हो कल हम उसे कर सकें। लेकिन उन सारी बातों को बताने से पहले कुछ एक और बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सम्मुख रखी जाएं। तो पहले उन बातों को रखता हूँ, उसके बाद जो समस्याएं विद्यार्थी समुदाय के द्वारा बताई गई उनको आप सभी के बीच रखूंगा। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व, 1 या 2 दिन पूर्व हमारे द्वारा एक पोस्ट फेसबुक में किया गया था कि हाँ, हमने एसएसजेयू बदल दिया है, एसएसजेयू विकास की ओर चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि कई समय से एक बैठने की एक समस्या, कई वर्षों से, कई दशकों से बैठने की समस्या को जो महसूस किया जाता रहा था, जिसको कि स्वयं जब से मैं कैंपस में आया था तब से हमने भी महसूस किया था, तो उसका काम हमने करवाया। विद्यार्थी समुदाय के बैठने की व्यवस्था कराई, चाहे कर्मचारी समुदाय हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, उनके लिए बैठने की एक जबरदस्त व्यवस्था प्रत्येक विभाग में करवाई गई है, जिसके लिए कि जब हम सुबह कैंपस पहुंचे तो सारे विद्यार्थी समुदाय द्वारा हमारा धन्यवाद किया गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप काम करते हो और उसकी सराहना विद्यार्थी वर्ग द्वारा या कर्मचारी वर्ग द्वारा या फिर शिक्षक समुदाय द्वारा की जाती है, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप काम करते हो और कोई उसकी सराहना करे तो असल मायनों में अच्छा लगता है। उसी के साथ ही विद्यार्थी समुदाय ने पहले तो बहुत तारीफ करी कि भैया हाँ, फिर आकर आपने कर दिखाया और कॉलेज असल में विकास के रास्ते पर चल रहा है। कुछ एक छात्र जा रहे थे और वो यही मेजों की तरफ देखते हुए जा रहे थे, जो बैठने की व्यवस्था जो की गई है, कह रहे हैं हाँ, असल में विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, कॉलेज चमक रहा है। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक कर्मचारी वर्ग, मुझे भी याद आ रही है, एक बात याद आ रही है, कर्मचारी वर्ग जो बड़े बड़े राष्ट्रीय छात्र संगठन है, उनसे कह रहे थे कि देखो, एक मौका इन्हें दिया है और एक ही मौके में, जो एक ही बार ये जीते हैं और इस बार ऐसा हो रहा है। तो मैंने देखा कि उनके पास असल मायनों में, मतलब सच में उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ काम कर रहे हैं और उसकी तारीफ लोग करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों द्वारा प्यार हमें दिया जा रहा है और सभी लोग काफी खुश थे। उसकी एक पोस्ट मैंने एक फोटो खींची भी है, इसको भी थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा, तो बहुत अच्छा लगा। और ये तो केवल एक छोटी सी जीत है, ये केवल एक विकास के रास्ते पर एसएसजेयू को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है। अभी तो हम विकसित एसएसजेयू हमने बनाना है, एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी जीत है। अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। छात्रा बहनों के वॉशरूम ठीक करवाने, जिसको कि हमने कई समय से उनसे वादा किया था, पैड मशीन लगवानी है, रोड ठीक करवानी है, और भी बहुत सारी चीजें, हॉस्टल के हालात ठीक करने हैं, बहुत सारी चीजें। और सारे शहर में आज हवा है, लगातार ये माहौल कैंप सारे शहर में चल रहा है कि हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि जब हम वहाँ लाइब्रेरी की ओपनिंग में गए थे तो दीदी भी कह रही थी कि पिथौरागढ़ तक में ये बातें चल रही हैं कि टाइगर ग्रुप जीता है, तो उससे कॉलेज का सच में विकास हो रहा है और हम शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए काम करते हैं और वह काम हो रहा है, तो हमें अच्छा भी लगता है। तो साथियों, आज बहुत अच्छा लगा जब विद्यार्थियों ने हमारी तारीफ करी, छात्र समुदाय ने हमारी तारीफ करी कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमें वोट किया था, उन्होंने हमें जितवाया था, और जब उनके मुंह से हम ऐसी बातें सुनते हैं तो असल मायनों में अच्छा लगता है। साथियों, इसी के साथ ही एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पुरानी जो छात्र संघें थी, वह विद्यार्थी समुदाय को मानसिक रूप से विकलांग, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहती थी। उनका फॉर्म भी वे भर के देना चाहते थे, वे चाहते थे कि बस वो कुछ ना करें, उनका फॉर्म भी हम भर के दे दें, उनकी फीस भी हम जाके जमा करवा दें, अगर वह कुछ काम नहीं कर पा रहे तो हम खुद से जाके वह कर दें। तो मुझे ये बात हमेशा से गलत लगती थी और मैं सदैव से इसका विरोध भी करता आया था कि हम विद्यार्थी समुदाय को इतना विकलांग नहीं बना सकते, अपितु हम, हमारा संगठन टाइगर ग्रुप, हम विद्यार्थी समुदाय को स्वावलंबी बनाने की ओर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी समुदाय आत्मनिर्भर बने। कैसे? अपनी फीस खुद जमा करे, अपने असाइनमेंट के लिए उसे किसी भी छात्र नेता की जरूरत ना हो, उसे जब उसका फॉर्म खराब होता है तो उसको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, वो खुद से यूनिवर्सिटी जाए, सारी चीजें ठीक करवाए। जहां पर ज्यादा ही दिक्कत आती है तो वहां पर हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बिल्कुल मदद नहीं करते, हम प्रत्येक दिन 20, 30, 50 लोगों की मदद करते हैं, और उन लोगों की जो शायद दूर दराज हैं, जो शायद वहां पर नहीं आ पाते। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि जैसे आज 29 तारीख है, 30, 31, 1 तारीख से सभी की परीक्षाएं शुरू होनी, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थी समुदाय ने अपना परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं भरा है। ये बहुत ज्यादा गलत बात है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं कई सारे विद्यार्थियों को डांट भी देता हूं, और मुझे ये बात कहीं से भी गलत नहीं लगती। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, अरे आप तो उन्हें डांट दे रहे हो। मैं, वो सब हमारे छोटे भाई बहन है, मैं उनके बड़े भाई होने के नाते ये सब कुछ करता हूं। मैं कभी भी अपने को कोई नेता नहीं मानता, और नेता मैं हूं भी नहीं, और मैं बनना भी नहीं चाहता। मैं सदैव एक छात्र सेवक की भांति काम करना चाहता हूं, उनके उनका बड़ा भाई होने के नाते मैं सब कुछ उन्हें डांट भी देता हूं, उसके बाद उन्हें प्यार से समझाता भी हूं। साथियों, ये तो हमारा एसएसजेयू है, हमारी यूनिवर्सिटी बगल में है, निकट में ही हमारी यूनिवर्सिटी है, ऊपर एग्जाम कंट्रोल ऑफिस है, ताकि हमें इतनी सारी सहायता मिल जाती है। आप सोचिए, जब हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में थे तब कितनी ज्यादा दिक्कतें हमें आती थी,
एक छोटा सा भी काम होता हमें उसके लिए नैनीताल जाना पड़ता था। अब यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब ये तो है कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाने होंगे। साथियों आप सभी को याद होगा अपने चुनाव के समय से मैं कहता था कि मैं ऐसा ऐसा जेयू चाहता हूं, हम लोग ऐसा ऐसा जेयू बनाना चाहते हैं जहां पर कि विद्यार्थी समुदाय को छात्र नेताओं की जरूरत ही ना पड़े। हम छात्र नेताओं की मौजूदगी को ही इस कैंपस से खत्म कर देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि विद्यार्थी समुदाय ने इस ओर सोचना होगा। अंतिम दिन तक फॉर्म न भर पाना यह विद्यार्थी समुदाय की लापरवाही को दिखाता है। साथियों आप लोग अपने कामों में, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने समय से सारी चीजें कर लेनी चाहिए। वो तो सही है कि हमने माहौल ऐसा बनाया कि हम सभी लोग आपकी मदद को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बाई चांस आप सोचिए पूर्व के छात्र संघ में ऐसा माहौल होता तो मुझे लगता है कि सारी चीजें नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने अंतिम दिनों में एक प्रथा सी चल पड़ी है कि हाँ अंतिम दिन तक भरेंगे, नहीं होगा तो डेट बढ़ा दी जाएगी। मुझे लगता है कि इन चीजों को हमने खत्म करना होगा, और अब तो एकेडमिक कैलेंडर भी मुझे लगता है कि जारी हो गया है, उसके बाद तो शायद डेट बढ़ाना भी आगे डेट को आगे पीछे कर पाना भी मुझे लगता है संभव नहीं होगा। तो इस दशा में विद्यार्थी समुदाय को भी सोचना चाहिए, आपकी प्रत्येक तरह की मदद के लिए हम खड़े हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगी हम खड़े रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन आप लोगों ने मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम अनुशासन अपने जीवन में लाते हैं तो तभी मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति तभी विकास की ओर बढ़ सकता है, तभी हमारा समाज विकास की ओर बढ़ सकता है जब हम लोग स्वयं से जागरूक होंगे, स्वयं से अनुशासन में रहेंगे। तो ये इस प्रथा को मुझे लगता है, इस आदत को सारे छात्र समुदाय ने सुधारना होगा, सारे छात्र समुदाय ने बदलना होगा कि जो अंतिम दिन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की चीज है, मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड गलत आ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम है, उसे हम ठीक करवाएंगे, हमारा हेल्प डेस्क ठीक करवाएगा। लेकिन ये चीज मुझे लगता है विद्यार्थी समुदाय ने सुधारनी होगी। तीसरी बात साथियों, आज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपका हेल्प डेस्क नहीं लगा, हेल्प डेस्क बिल्कुल नहीं लगा। हम भी जानते हैं जो बात सच है तो वह सच है, और कुछ एक दिन और नहीं लगेगा। कब तक? मुझे ऐसा लगता है कि 7 या 8 तारीख तक जो लोग वहां पर बैठते हैं उन सभी की परीक्षाएं हैं, और मैं प्रत्येक समय कॉलेज में मौजूद नहीं रहता, कभी यूनिवर्सिटी रहता हूं, कभी नीचे जहां काम चल रहा है वो देख रहा होता हूं, या फिर कभी कंट्रोल ऑफिस में होता हूं, तो कई बार मैं कैंपस में प्रत्येक समय मौजूद नहीं रह पाता। तो वहां पर जो हेल्प डेस्क की हमारी टीम मौजूद रहती है उन सभी की परीक्षाएं चल रही हैं, जिस कारण अभी कुछ एक दिन और, लगभग मुझे लगता है 1 सप्ताह हमारा हेल्प डेस्क और बंद रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों के काम करने बंद हो जाएंगे। आज भी मुझे आज याद आता है कि 13 काम मुझे लगता है मैंने भुप्पी भाई को दिए थे, जो कि खुद उसने हेल्प डेस्क जाकर ठीक करवाए, और उसके बाद लगातार जितने हमें कॉल आए उन सभी का काम हमें ठीक करवाया। हम 24/7 छात्र हितों में आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस चीज के लिए आपने हमें वोट किया है, जिसको जिसके लिए आपने राहुल सिंह धामी को जितवाया है, वो सारी चीजें हो रही हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हेल्प डेस्क बंद है तो बिल्कुल काम रुक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1 हफ्ता लेकिन हेल्प डेस्क और बंद रहेगा। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है आप हमें सीधे सीधे आके बता सकते हैं। उसके बाद साथियों आज की बात करते हैं। जो आज सुबह सुबह मैं कैंपस पहुंचा साथियों, पार्किंग पर पहुंचा ही था कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले। पहले तो चाहे हमारा आकाश भाई हो, वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, उसके साथ की पूरी टीम, उसके बाद हमारी बहन लोग जो कि शायद मुझे लगता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा हमें एक बात कही गई कि परीक्षा संबंधित कि कुछ शायद उनकी डेट शीट में कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद मैंने उनकी परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात करवाई, और वहाँ पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमें मिले। तो मैंने ऐसे उन सारे साथियों से जिनकी कि आसपास में कहीं परीक्षा होनी है, या परीक्षा के दिन या उसके आसपास किसी परीक्षा की और डेट आई हुई है, तो उन सभी लोगों के द्वारा, उन सभी लोगों से पहले तो एग्जाम कंट्रोल महोदय ने कहा था कि आप लोग सबके जो भी हैं आवेदन फॉर्म में जमा करवाइए, उनकी डेट शीट आप जमा करवाइए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, उनके द्वारा हमसे सुबह भी कहा गया था, हमने उनसे सुबह भी कहा था आप सभी के आवेदन जमा करिए, और बाकी कल आप सभी लोग कैंपस आइए, आपके साथ हम खुद से कंट्रोल ऑफिस चलेंगे, जो भी बात होगी वहां पर करेंगे, और उसका यथासंभव उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग अभी ऐसा भी सोच रहे होंगे, कल तक तो तारीफ कर रहे थे, आज कहने लग गए कि ऐसा गलत हो गया। बिल्कुल, जो चीज सही होगी तो उसकी 100% तारीफ होगी, और जो चीज गलत होगी उसका 100% विरोध होगा, और जबरदस्त तरीके से होगा। ये नहीं है कि हम तारीफ कर रहे हैं सबकी तो इसका मतलब हर चीज ठीक होगी, बिल्कुल नहीं। मैं परसों भी एक बात को कह रहा था कि कोई भी चीज 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा महान व्यक्ति हो, 100% कोई चीज कभी ठीक नहीं हो सकती। तो हम बिल्कुल ऐसे जीव जहां पर अच्छा काम कर रहा है उसकी बिल्कुल 100% तारीफ होगी, लेकिन जहां पर गलत होगा वहां पर उसका पूरा जोर विरोध होगा। तो ये सारी बातें कल आप सारे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कैंपस आएं, समय से आप लोग कैंपस आएं, जो भी दिक्कत होगी हम उसे देखेंगे, हम उसे यथासंभव उसे हल करने का प्रयास करेंगे, और छात्र हितों में आपके साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हमारा लक्ष्य बेहतरीन SSJU, हमारा लक्ष्य विकसित SSJU, और हमारा लक्ष्य प्रगतिशील SSJU, इस ओर हम निरंतर अग्रसर हैं और सदैव अग्रसर रहेंगे। तो ये सारी बातें जिनको आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता था, और साथियों बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने तारीफ करी सुबह से कि हम लोग कॉलेज को चमका रहे हैं, ये बिल्कुल तारीफ करने की कोई बात नहीं है। आपने वोट दिया, आपके लिए काम करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पूर्व छात्र संघों की भी बनती थी, लेकिन जो भी हुआ खैर ज्यादा बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें आप सम्मुख रखनी थी आपके सभी के बीच, और किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है आप हमें बताइए, और जो बात आज विद्यार्थी समुदाय हमसे कह रहा था आप सभी लोग कल 11 बजे कैंपस में मिले, जो भी आपकी दिक्कत है हम उसे वहीं सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।